नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। सीतापुर से आपको बता दें, जहां कालीन फैक्ट्री में गैस रिसने के चलते 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी की मौत दम घुटने के कारण हुई है। वहीं मौत की सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचा और मामले की जांच शुरू की गई। पूरा मामला सीतापुर के बिस्वा कोतवाली के जलालपुर का बताया जा रहा है। इधर सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। चंदनपुर रहते हैं, हमारा नाम मुनव्वर है। इसमें हमारी फैमिली थी, बहन भाई था, सब कुछ। इस फैक्ट्री से बताते हैं तेजाब निकल के गया है। अच्छा, तेजाब यहाँ का बनता है? इसमें तेजाब बनता है। ये कब से बनता है अब ये हमको नहीं पता। ये किसकी फैक्ट्री जो तेजाब वाली है, किसकी फैक्ट्री है ये हम नहीं जानते। किसकी फैक्ट्री? सोनू के। अच्छा, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं पांचों कहाँ काम करते थे? ये यही काम करते थे, चौकीदारी इस फैक्ट्री में। इस फैक्ट्री के मालिक का क्या नाम है? इस फैक्ट्री के मालिक का क्या नाम? बबलू ने। बबलू के मालिक उधर है, इधर वाली के बताओ। भैया अपने बहनोई के नाम बताओ। सबका का नाम है अतीक, बहन का नाम है सायरा, और भांजी का नाम है आयशा, भांजे का नाम। ये यहाँ पर कितने दिन से रह रहे थे? फैसल, ये बहुत काफी दिन से। तो यही पे ये लोग रुकते थे? ये क्या करते हैं यहाँ? क्या करते थे? चौकीदारी करते थे। अच्छा, तुमको कैसे पता चला कि मौत हुई है? हमको अभी सुबह पता चला। गांव के लोग यहाँ पुल पर बैठते हैं तो बताने लगे।